जहाँ इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था वहाँ जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है, उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। एक महिला अधिवक्ता होते, रुक जाइए, देश आजाद है, हमको भी बोलने दीजिए। गलत बात है सर, आपने सड़क बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है उसके सम्मान में इतना अंधा कानून मत फैलाओ। आपने 28 तारीख को पूरा दिल्ली सील कर दिया था, आप क्यों अंदर कर रहे हो? सड़क है ना, सड़क पर नहीं जा रहे, तो गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होता, देखिए ये हाल है। ये पूरे देश में अंधा कानून है कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा। जहाँ इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था वहाँ जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है और उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। वो हम जैसे आम नागरिक को सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ये हालात है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तब ये चुप रहते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबों पढ़ने का क्या फायदा, जिस संविधान पर हाथ रख कर कसम खाते हैं उस संविधान क्या वास्ता है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला टाई टाई फिस हो गया कि ये अंधा कानून है। जहाँ देश की पहलवान बेटियाँ जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया और वो हिंदू बेटियाँ, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, अरे कुछ चुप्पी किस बात का है? ये चुप्पी दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। और प्रधानमंत्री को 2021 से मालूम था, जो प्रधानमंत्री जी हर बात में मित्रों इसरो पूरे विश्व में घूम घूम के बोलता है, वो प्रधानमंत्री गुंगार बहरा हो गया, मानो सत्ता का फेविकॉल उनके गले में बैठ गया। आप मीडिया के लोग एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खबर, अब एक्सक्लूसिव खबर का आपके उसमें घुस गया। महाकाल के मंदिर में घोटाला किया, राम मंदिर में चंदा खाया, ये किस तरीके से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा? हम आजाद भारत में है, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की लड़ाई लड़ी है, हम कोई गुलाम भारत में नहीं जी रहे, कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बपोती नहीं है देश, ये देश हमारा। और जनवरी के महीने में जब खेल देश की बेटियां इंसाफ की बात कह रही थी तब भी कोई सुनने वाला नहीं था। तो आप ये सोचिए कि ये अंधा कानून है। जहां देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया और वो हिंदू बेटियां जो अपने आप को हिंदू धर्म का पुरोधा कहता है, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तब तो उनका खून नहीं खौलता। अरे कुछ चुप्पी किस बात का है? ये चुप्पी दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। और प्रधानमंत्री को 2021 से मालूम था, जो प्रधानमंत्री जी हर बात में मित्रों इसरो पूरे विश्व में घूम घूम के बोलता है, वो प्रधानमंत्री गुंगार बहरा हो गया, मानो सत्ता का फेविकॉल उनके गले में बैठ गया। गुंगा बहरा, संसद में बुला रहे उनको। अरे बेशर्मो, आप लोग ऐसा पत्रकार हो ना, अभी अगर यही पाकिस्तान की हिंदू बेटी होती आप सड़क पर लौट रहे होते। आप मीडिया के लोग एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव खबर, आप एक्सक्लूसिव खबर का आपके उसमें घुस गया है, बेशर्म। अरे फिर नहीं देखा आपने? सुनो, ये आप लोगों ने देश को बर्बाद करने की सुपारी ले रखी है और आप लोग एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो। कौन? आप लोग, कौन? आप लोग सुनो ना, एक भी मीडिया में खबर नहीं दिखाते, एक भी। अरे कहाँ दिखा रहे हो? जाओ ना, जाके पूछो ना, जाओ भाजपा नेताओं से सवाल करो। अरे भाई सुन तो लो, आप पत्रकारों को ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लेने की औकात है, बार बार पहुँच जाते हो थाली चाटने। आप जाकर भाजपा नेताओं से पूछो कि आखिर, अरे भाई पूछो ना, क्यों नहीं जा रहे? मेरा भाग मीनाक्षी लेखी भाग, भाग मीनाक्षी लेखी भाग, ऐसे दौड़ रही है। एक महिला अधिवक्ता होते, रुक जाइए, देश आजाद है, हमको भी बोलने दीजिए। इतना नहीं, 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 गलत बात है सर, आपने सड़क बंद कर दिया, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। आप एक बात बताओ, देश की वो पहलवान बेटी है उसके सम्मान में इतना अंधा कानून मत फैलाओ। आपने 28 तारीख को पूरा दिल्ली सील कर दिया था, आप क्यों अंदर कर रहे हो? सड़क है ना, सड़क पर नहीं जा रहे, तो गिरफ्तार कर लो। ऐसा नहीं होता, देखिए ये हाल है। ये पूरे देश में अंधा कानून है कि लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और जबरन कैद किया जा रहा है। जहाँ इनको ब्रजभूषण शरण सिंह पर बल प्रयोग करना था वहाँ जाकर इनको बोलने की हिम्मत नहीं है और उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। वो हम जैसे आम नागरिक को सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। ये हालात है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में पॉकेटमारी होती है तब ये चुप रहते हैं। दिल्ली में जब से एक, देख लीजिए किस तरीके से ये बल प्रयोग करते, यही है इनके। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या फायदा, जिस संविधान पर हाथ रख कर कसम खाते हैं उस संविधान क्या वास्ता है? भाई कानून व्यवस्था जब पॉकेट
बीमारी होती है। जब कंझावला में भाजपा का नेता 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा, तब कानून व्यवस्था कहाँ था? जब कहाँ था? जब दिल्ली कैंट में हिंदू समाज की बेटी को मंदिर में गैंगरेप बलात्कार किया गया, तब ये कहाँ थे? अगर ये होते, सुनो, जहाँ ससा बाबा डेयरी में जिस लड़की को चाकू गोदा गया, अगर इतने तत्पर होते, धक्का लगा रहे होते, तो अपराधी चाकू गोद रहा होता। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जब से अमित शाह ने गृह मंत्रालय संभाला, टाई टाई फिस हो गया। और ये सिर्फ सरकार के निजी सारे पर काम। देश सुरक्षित हाथ में है। कौन सा सुरक्षित हाथ में है? पुलवामा घटना की 300 किलो अटैक्स बता दो, माँ भारती के लाल, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो कार किसकी थी? वो जेलेटिन किसका था? जब आर्मी की गाड़ियां जाती है तो सिविलियन गाड़ी नहीं जाती है। आप बताओ ना, जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी अगर मजबूत हाथों में है तो 4 साल में मां भारती के लालों को इंसाफ क्यों नहीं? यही बात पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। अब रेस्टलेस मामले में क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए देश के पहलवान बेटियों को। ये भाजपा का साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है कि देश की बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अरे वो खून नहीं पानी है भाजपाइयों, तुमने हिंदू बेटियों के साथ यौन शोषण करने वालों लोगों के साथ में रखा, महाकाल के मंदिर में घोटाला किया, राम मंदिर में चंदा खाया, सारे के सारे 30 किलोमीटर प्रति घंटा लोगों को घरे में कैद करती है। दिल्ली पुलिस को जब जब भाजपा की सरकार डरती है, दिल्ली पुलिस को आगे करती है। देखिए किस तरीके से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा। हम आजाद भारत में हैं, हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की लड़ाई लड़ी है। हम कोई गुलाम भारत में नहीं जी रहे, कोई भाजपा रसद के नेताओं के बाप की बपोती नहीं है देश। ये देश हमारा और आपका है, लेकिन हमको और आपको निकलना होगा। जो मीडिया मीडिया कह रही कि सारा स्क्रिप्टेड था, नदी में बहाने थोड़ी गए थे, ये टोटल स्क्रिप्टेड था। ये मीडिया वाले गोबर को चुभने प्राण समझ के खाते। अमिताभ बच्चन हरे रंग की पालक खाई, दांत में फंस गया हरे रंग की पोटी की यही देखते हैं। इनको देश के बेटियों का मान सम्मान नहीं दिख रहा। ये बेशर्म लोग हैं। चलो ठीक, नहीं नहीं चलो चलो। लेकिन जिस तरह से कह रहे कि ऐसे मेडल को बात हो गए, देश के टैक्स का पैसा है, ऐसे कैसे भागत हो गए, देश की उसमें मेहनत लगी है। बेशर्म हो। हाँ, ये सवाल तो पूछो ना भाजपा आरएसएस के उन नेताओं से, अगर माने दूध पिलाया तो कि आप मेडल को 15 रुपए में कैसे आके, अगर वो 15 रुपए का है तो फिर खरीद लिया जाएगा? है किसी को औकात जो मेडल जीत के आ जाए? आप उस पर सवाल नहीं पूछते। लेकिन सवाल ये है कि बेतुका सवाल, ये सुनो, ये सवाल दुनिया सुन, ये सवाल सुनो, अरे सुन तो लो। अगर आप मर्द हो, भाजपा नेताओं से इंटरव्यू लेके दिखा दो तो भाग जा रहे हैं। भाग जा रहे तो देश में, पूरे देश के भाजपा नेता हैं, तो भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं कि वो बोल ही नहीं पा रहे और आप उनसे सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हो, फिर मतलब क्या बनता है? सवाल तो पूछ रहे हैं, भाग रहे हो। फिर जाओ ना, किस किस से पूछे? एक मीनाक्षी लेके भाग गई, निर्मला बाबी से पूछ के आओ जो प्याज लहसुन नहीं खाती है, क्या कहेंगी इस पर? अजी प्रधानमंत्री तक ये सारी आवाजें नहीं जा रही होंगी, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री गूंगे और बहरे हो गए। जब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं मुंह खोल दूंगा भूचाल आ जाएगा, लगता है कहीं रैकेट चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा। इसलिए भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने से कतरा रहा है। कुछ ना कुछ तो सबूत है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास, जिसके कारण भाजपा का कोई भी नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है।